हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना मालविया। मैं नोएडा में रहती हूँ और मेरी 3 साल की बेटी है। इस साल मैंने IBPS क्लर्क क्लियर किया है और मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। प्लस ये इस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन जुलाई 2019 में स्टार्ट की और इनिशियली मैं एक ऑफलाइन कोचिंग पहले मैंने ज्वाइन की अपने इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ मैं दिन में अराउंड 7 to 8 hours पढ़ती थी रोज। मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ती थी, एडिटोरियल एनालिसिस के साथ साथ मैं उसका रोज वो कैब IBPS गाइड से पढ़ती थी। उसके साथ साथ एक डेली करंट अफेयर का शो अभिजीत मिश्रा सर का मैं डेली देखती हूँ, आज भी देखती हूँ। और उसके साथ साथ मैं एवरी डे अराउंड 1 to 2 hours मैथ्स और रीजनिंग ईच प्रैक्टिस जरूर करती हूँ, जिस भी बुक से, चाहे PDF से चाहे बुक से। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर मैंने मॉक स्टार्ट किए। एंड मॉक के लिए इफ दे आर प्री मॉक्स एवरी डे 1 mock एंड इफ मेन्स मॉक तो एवरी 3 days पे 1 mock मैं लगाती थी और उसको थरली एनालाइज करती थी। दैट अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको दोबारा एनालाइज करके मैं देखती थी इसको मैं जल्दी कैसे कर सकती हूँ। वही चीज इंग्लिश के साथ है। जिन वर्ड्स, जिन RCs में मुझे दिक्कत होती थी उस RC को मैं दोबारा 2 बार 3 बार पढ़ के जल्दी एनालाइज करने की कोशिश करती थी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मेरे टीचर्स का गाइडेंस, कोई भी हर्डल आती थी तो आई यूज टू कॉन्टैक्ट देम और क्वेरी वो रिजोल्व करने में बहुत हेल्प करते थे। और फ्रेंड्स, ये चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो उसकी स्ट्रैटेजीज भले ही अलग हों, बट एक चेकलिस्ट है जिसको हर किसी एस्पिरेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। रीडिंग न्यूज़पेपर, फॉलोइंग अ डेली करंट अफेयर शो, मॉक एंड मॉक एनालिसिस इज़ अ मस्ट, एंड जितने मॉक्स कर सके दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली मॉक्स ही है जो आपको किसी भी एग्जाम से थ्रू करता है। So thank you IBPS guide, thank you everyone.